हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूनिट 1 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेक्टिफायर एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो मेनली अल्टरनेटिंग करंट मींस एसी की फॉर्म में आती है, जिससे हम अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे पंखे, बल्ब, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा ऑपरेट कर सकते हैं। बट फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करना हो, या फिर मोबाइल की चार्जिंग करना हो, जो आपका चार्जर है वहां पर डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और डीसी सप्लाई को हम एसी मेन से प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और उसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बोला जाता है रेक्टिफायर। मींस रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में इसमें कन्वर्ट करके देता है, और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, और जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की हेल्प से रेक्टिफिकेशन की जाती है, मींस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर को हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड से फॉर्म कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम एक पीएन जंक्शन डायोड यूज कर रहे हैं या फिर एक से ज्यादा पीएन जंक्शन डायोड यूज कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम रेक्टिफायर को क्लासिफाई कर सकते हैं इन टू टाइप्स, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, और उन दोनों टाइप्स को भी पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेक्टिफायर एंड डिस्क्राइब द मेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर मींस हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो एग्जाम में आप स्टार्टिंग में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि पीएन जंक्शन डायोड से बनाया जाता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जिस प्रोसेस के द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, अब डिपेंड करता है कि रेक्टिफायर बनाने में आप एक पीएन जंक्शन डायोड यूज कर रहे हैं, तो उस टाइप को रेक्टिफायर को बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें एक ही पीएन जंक्शन डायोड यूज होगा। अगर आप एक से ज्यादा पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं रेक्टिफायर बनाने में, एंड देन रेक्टिफायर इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद अब हम बारी बारी से दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे ये वर्क करता है, फिर उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, और ये सब कुछ देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं पहले टाइप ऑफ रेक्टिफायर की, जो है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? ये इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रेक्टिफायर में जो हम इनपुट देते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में देते हैं, और आउटपुट जो हमें मिलती है वो पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट की फॉर्म में मिलती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिलते हैं। ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, जिसका टाइम के साथ वेरिएशन जो है अल्टरनेटिंग करंट का, वो ऐसे शो किया हुआ है। ये है इनपुट जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर को देंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल दे देगा आउटपुट में, बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट वोल्टेज का, तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो ये भी देखेंगे हम वर्किंग में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगी, हाफ वेव रेक्टिफायर हमें आउटपुट देगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की फॉर्म में आउटपुट देगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। मींस ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल को ही रेक्टिफाई कर पाता है, और पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में चेंज करके देता है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन आउटपुट में, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, मींस प्रिंसिपल क्या है इसका, आइए पहले वो देख लेते हैं।
It is a type of rectifier which converts positive half cycle of input AC signal means alternating current signal into DC output signal means direct current output signal. ये सिर्फ positive half cycle of input AC signal को ही direct current में change कर पाता है. Negative half cycle of input AC signal को ये rectify नहीं कर पाता. Negative half cycle जो है यहाँ पर waste चला जाता है. ये इसका disadvantage भी है. Principle कौन से principle पर काम करता है? चाहे वो full wave rectifier हो, चाहे half wave rectifier हो, दोनों rectifiers जो हैं, वो एक ही principle पर काम करते हैं. और principle ये है कि PN junction diode जब forward bias किया जाता है, means जब P side को positive terminal of battery से जोड़ा जाता है और N side को negative terminal of battery से जोड़ा जाता है, तो PN junction diode electricity conduct करता है. उस case में resistance जो है PN junction diode का वो low होता है, minimum होता है. और इसके opposite जब PN junction diode को reverse bias किया जाता है, means P side को हम negative terminal से जोड़ दें और N side को जब हम positive terminal of battery से जोड़ दें, तो उस case को हम बोलते हैं reverse biasing. और reverse biasing में PN junction डायोड बिल्कुल भी करंट नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि उस केस में जो रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन डायोड का वो मैक्सिमम हो जाता है. इसी प्रिंसिपल पर रेक्टिफायर काम करता है. इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड डू नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस्ड. पीएन जंक्शन डायोड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा जब रिवर्स बायस होगा. इसी प्रिंसिपल पर हर प्रकार का रेक्टिफायर जो है वो वर्क करता है. तो आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन क्या कैसे होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की. देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. आपको पीछे से एसी मेंस की जो वोल्टेज मिलेगी वो 220 वोल्ट मिलेगी, जबकि डीसी वोल्टेज जो होती है 220 वोल्ट से बहुत कम होती है. मीन्स आपको इनपुट वोल्टेज को कम करना है तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में. तो जो हम इनपुट एसी सिग्नल देंगे वो प्राइमरी कॉइल में देंगे. जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार की कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल्स, एक होती है सेकेंडरी कॉइल्स. क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी कॉइल में प्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स से कम रखने हैं. आपने इस चीज का अपने ध्यान रखना है. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में इसका ऑपोजिट होता है, वहां पर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, प्राइमरी में कम होते हैं. यहाँ पर स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी कॉइल्स जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है मैंने कम बनाए हैं और प्राइमरी कॉइल्स में जो टर्न्स हैं वो ज्यादा बनाए हैं. तो इनपुट एसी सिग्नल आप यहाँ पर फेड करेंगे और यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगाना है. सेकेंडरी कॉइल के साथ सीरीज में आपने एक पीएन जंक्शन डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा देना है, जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज V0 मिलेगी. तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, जब इनपुट एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम इसको फेड करेंगे तो S1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और S2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव जिससे देखिए स्टूडेंट्स P साइड जुड़ गई और N से जुड़ गया हमारा नेगेटिव, तो मींस यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी पीएन जंक्शन डायोड की. मींस पीएन जंक्शन डायोड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और जब यहां से करंट फ्लो होगा लोड रेजिस्टेंस में थे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब करंट फ्लो होगा आरएल के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज ड्रॉप जो है आपको आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में देखने को मिलेगा यहां पर. तो स्टूडेंट्स जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट एसी सिग्नल का, तो क्या होगा, तो ये जो S1 है वो नेगेटिव हो जाएगा और S2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. P जो है वो नेगेटिव से जुड़ गया, N जो है वो पॉजिटिव से जुड़ गया. और इस प्रकार की बायसिंग को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग. और रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, हमारे सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. करंट जब नहीं फ्लो करेगा तो आप जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आरएल के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर I0 है तो V0 हो जाएगा. तो मीन्स आरएल के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और आपको आउटपुट में कोई भी वोल्टेज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी. इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी. फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. फिर दोबारा से आपको आउट वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा आरएल के अक्रॉस और आपको आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो देखने को मिलेगा. और ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहेगा. मींस यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो वेस्ट चला जाएगा इनपुट एसी सिग्नल का. सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके देता है. तो स्टूडेंट्स इसी चीज को आपने थ्योरी में लिखना है और वो होगी हमारी वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जो डिस्कस की जाएगी अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर. तो स्टूडेंट्स वर्किंग से पहले हमें देखना पड़ेगा सर्किट डायग्राम. जो मैंने आपको समझाया था वो आप वर्ड्स में कैसे लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं. सर्किट डायग्राम आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम के अंदर. द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग अ पीएन जंक्शन डायोड इज शोन इन फिगर. हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है और उसका सर्किट डायग्राम यहां पर आपने शो किया है फिगर के अंदर. P1, P2 एंड S1, S2 आर रिस्पेक्टिवली प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. P1, P2 जो है वो प्राइमरी कॉइल्स हैं, S1, S2 जो है वो सेकेंडरी कॉइल्स हैं. एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी कॉइल्स
में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर टर्न्स आपको ज्यादा बनाने हैं और सेकेंडरी में आपको टर्न्स जो है वो कम बनाने हैं। अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जिस एसी सिग्नल को आपने डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है वो एसी सिग्नल जो है वो कहाँ पे फेड किया जाएगा, वो प्राइमरी P1 P2 ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर एसी सोर्स जो है वो कनेक्ट कर देना है, एसी वोल्टेज का एक सोर्स, और एसी वोल्टेज के सोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एसी सोर्स की रिप्रेजेंटेशन, उसको आपने प्राइमरी P1 P2 के साथ कनेक्ट कर देना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। अब पीएन जंक्शन डायोड एंड द लोड रेजिस्टेंस RL आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर। और सेकेंडरी कॉइल जो है S1 S2 के ट्रांसफार्मर की, उसके साथ आपको क्या-क्या कनेक्ट करना है, एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करना है और एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट करना है, और लोड रेजिस्टेंस RL एंड पीएन जंक्शन डायोड जो है वो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है आपने। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या लिखेंगे आप, द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेंड अक्रॉस RL। जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो इसी लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम, इसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट बात करते हैं वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी की बात करेंगे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी की बात करेंगे, तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे वर्किंग, उसमें ए पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजेंगे प्राइमरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, तो S1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और S2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पी साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, एन साइड जो है डायोड की वो नेगेटिव से कनेक्ट होगी। मींस यहां पर पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, मींस रेजिस्टेंस यहां पर बहुत कम हो जाएगा, मींस यहां पर करंट फ्लो होगा और इस करंट को बोला जाता है फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमने एरो से शो की है, ऐसे फ्लो होगा फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड करंट की वजह से यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा और आपको आउटपुट में आपको डीसी सिग्नल जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आगे क्या लिखेंगे आप, द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स लो, क्योंकि यहां पर पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया एंड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस आप जानते हैं बहुत कम हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड का। द फॉरवर्ड करंट फ्लोस इन द डायरेक्शन शोन बाय एरो हेड्स, तो फॉरवर्ड करंट जो है वो इस ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, दस वी गेट आउटपुट अक्रॉस लोड, और हमें आउटपुट मिलेगी क्योंकि जब RL के अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो इस फॉर्मूले V इज इक्वल टू I इनटू RL के अकॉर्डिंग है वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपको आउटपुट वोल्टेज में पॉजिटिव हाफ साइकिल की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया वर्किंग का। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में, जिसमें हम नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल देंगे यहां पर P1 P2 में, तब देखेंगे क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं वर्किंग का बाकी बचा हुआ पार्ट। तो बी पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल देंगे प्राइमरी के अंदर। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी S1 बिकम्स नेगेटिव S2 बिकम्स पॉजिटिव द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे यहां पर P1 P2 में, तो S1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, S2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हैं, S1 नेगेटिव हो गया, S2 पॉजिटिव हो गया, मींस P साइड जो वो नेगेटिव से कनेक्ट होगी, N साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी। और ये किस केस में होता है, ये रिवर्स बायसिंग के केस में होता है, मींस पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया, रेजिस्टेंस इसका हाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो सर्किट डायग्राम में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी नहीं देखने को मिलेगी आउटपुट वेव फॉर्म के अंदर। तो यही कुछ लिखेंगे आगे आप स्टूडेंट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बिकम्स हाई एंड हेंस नो करंट फ्लोस एंड देर विल बी नो आउटपुट अक्रॉस द लोड। तो रेजिस्टेंस जो है पीएन जंक्शन डायोड का वो हाई हो जाएगा, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया इस केस में, तो करंट फ्लो नहीं करेगा और कोई भी वोल्टेज जो है ड्रॉप आपको RL के अक्रॉस देखने को नहीं मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए जो है इस प्रोसेस को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल को ही डायरेक्ट करंट में चेंज कर पा रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पर वेस्ट हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं देखने को मिलता, तो यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल वेस्ट हो जाता है, यहां पर एफिशिएंसी कम होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो यही लाइनें आप लास्ट में लिखेंगे, द प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस बार बार होगा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की और आपको आउटपुट मिली, नेगेटिव हाफ साइकिल आया, फिर ये रिवर्स बायस हो गया, आपको आउटपुट नहीं मिली, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा और आउटपुट मिलेगी आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जाएगा और आपको आउटपुट नहीं देखने को मिलेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा और इस प्रकार से ये अल्टरनेटिंग करंट को जो है वो डायरेक्ट करंट में चेंज
करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इन द आउटपुट वी हैव करंट कोरस्पॉन्डिंग टू वन हाफ ऑफ द वेव एंड द अदर हाफ इज मिसिंग। तो आउटपुट में आपको सिर्फ करंट मिलेगा एक ही हाफ के लिए और दूसरे हाफ जो है उसके लिए आपको करंट नहीं देखने को मिलेगा, मीन दूसरा हाफ जो है वो मिसिंग रहेगा। दैट इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इट इज नॉट ऑफ मच यूज एज आउटपुट सिग्नल इज नॉट कंटीन्यूअस। इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोला जाता है क्योंकि सिर्फ हाफ पॉजिटिव साइकिल को ही कन्वर्ट कर पाता है डीसी में, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो उसको ये मिस कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा यूज नहीं किया जाता हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल का वेस्टेज होता है, एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि डीसी जो है आपको वो कंटीन्यूअस नहीं मिल रही। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है फिर दूसरा गायब है, फिर आ रहा है फिर गायब है। तो स्टूडेंट्स ये इसका डिसएडवांटेज भी हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसका एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ रेक्टिफायर की जो कि है फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपको अलग से भी आ सकता है कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप इसमें क्या क्या लिख के आएंगे आइए वो देखते हैं थ्योरी में। तो आप हेडिंग बनाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर ये क्या काम करता है, इट कन्वर्ट बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनटू डीसी। देखिए स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा था, सिर्फ एक हाफ साइकिल जो था पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही वो डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल को वो ब्लॉक कर रहा था इनपुट एसी सिग्नल के। तो स्टूडेंट्स जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी डीसी में कन्वर्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी डीसी में कन्वर्ट करता है, मींस ये एसी इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ्स को डीसी में कन्वर्ट करके देता है, इसलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो फ्रेंड्स ये आपने इसका पर्पस लिख दिया, एम लिख दिया कि क्या काम करता है, प्रिंसिपल सेम एज दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए स्टूडेंट जो वर्ड्स हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के प्रिंसिपल में लिखे थे वही सेम टू सेम ए टू जेड वही वर्ड्स जो है आपने फुल वेव रेक्टिफायर के प्रिंसिपल में लिख देने हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड का, जबकि रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई हो जाता है। सेम वही प्रिंसिपल आपने यहाँ पर लिख देना है फुल वेव रेक्टिफायर में। सर्किट डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम में थोड़ा चेंज है। देखिए स्टूडेंट्स वहां पर हमने सिर्फ एक ही डायोड यूज किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, जबकि यहाँ पर यूज होंगे दो डायोड D1 एंड D2, और वहां पर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया था, यहाँ भी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, बट यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का दूसरा प्रकार यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टैप्ड, सेंट्रल टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा डायोड D1 D2 के बीच में लगाया जाएगा, RL और इसी के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज जो आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो देखने को मिलेगी डीसी की फॉर्म में। तो स्टूडेंट सर्किट डायग्राम हेडिंग बनाएंगे इसमें क्या लिखेंगे आइए देख लेते हैं। द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू पीएन जंक्शन डायोड्स इज शोन इन फिगर। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें दो डायोड्स यूज होते हैं एक की बजाय, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही डायोड यूज हो रहा था। P1, P2 एंड S1, S2 आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। जो P1, P2 हैं और S1, S2 हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो कि सेंट्रली टैप्ड है, ये सेंट्रली टैप्ड वायर जिसके थ्रू हमने इसको सेंट्रली टैप्ड किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी प्राइमरी कॉइल्स हैं, ये सेकेंडरी कॉइल्स हैं क्योंकि स्टेप डाउन है, तो प्राइमरी कॉइल्स अगेन आपको ज्यादा बनानी पड़ेंगी, सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम रखने पड़ेंगे। अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। जिस एसी सिग्नल को आपने डीसी में कन्वर्ट करना है वो आप प्राइमरी में फेड करवाएंगे, ये आपका एसी मेंस VI जहां पर आप इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्राइमरी के अक्रॉस, तो आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेंड अक्रॉस RL, और जो आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो RL के अक्रॉस मिलेगी और यहां पर आपने RL लगाना है D1 D2 के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये होगा सर्किट डायग्राम, इसके हम बात करेंगे कैसे फुल वेव रेक्टिफायर अपनी वर्किंग परफॉर्म करके आपको डीसी सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर की। पहले हम बात करेंगे जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल देंगे तो क्या क्या कैसे कैसे यहां पर वर्किंग होगी आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे प्राइमरी P1 P2 को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, तो S1 पॉजिटिव हो जाएगा, S2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट डायोड D1 का जो P साइड है ये N साइड है, तो P साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होगी डायोड D1 की, तो मींस डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, जबकि डायोड D2 की जो P साइड है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगी, मींस डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायस हो गया,
डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से कंडक्ट करेगा और इसके अक्रॉस जो है वो फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एरो से शो किया हुआ है। तो स्टूडेंट डायोड D2 बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया है, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा डायोड D2 के अक्रॉस। डायोड D1 के कंडक्ट करने की वजह से करंट फ्लो होगा, डायोड D1 में से भी फ्लो होगा और इस RL के अक्रॉस भी करंट फ्लो होगा। जब RL के क्रॉस करंट फ्लो होगा ड्यू टू कंडक्शन ऑफ डायोड D1, तो V=IRL फॉर्मूले के अकॉर्डिंग RL के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और वो आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में देखने को मिलेगा। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो आपको आउटपुट वोल्ट सिग्नल देखने को मिलेगा DC की फॉर्म में, वो डायोड D1 की वजह से मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पर D1 लिख दिया है। मींस ये जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिली है पॉजिटिव हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग, जो DC आउटपुट वोल्टेज हमें मिली है वो D1 के कारण मिली है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसको हम इस पॉइंट के बाद में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें आप क्या लिख के आएंगे। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल S1 बिकम्स पॉजिटिव, S2 बिकम्स नेगेटिव एंड हेंस डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस। जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल फेड करते हैं प्राइमरी P1 P2 में, तो S1 पॉजिटिव हो जाता है, S2 नेगेटिव हो जाता है, तो डायोड D1 की जो P साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, D1 जो है फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 की जो P साइड है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगी, डायोड D2 रिवर्स बायस हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आप फॉरवर्ड करंट पासिस थ्रू D1 एंड RL शोन बाय एरोस। तो D1 के कंडक्ट होने की वजह से, D1 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ पर इस सर्किट में यहाँ पर इसी पार्ट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वो D1 में से भी पास होगा और RL में से भी पास होगा। नो करंट पासिस थ्रू D2 इन दिस केस, तो D2 जो है वो रिवर्स बायस है, तो D2 में से कोई भी करंट पास नहीं होगा। ड्यू टू करंट थ्रू RL एंड आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेंड अक्रॉस इट, क्योंकि करंट पास हो रहा है RL के अक्रॉस, क्योंकि D1 कंडक्ट कर रहा है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया आपने, बेशक D2 नहीं कनेक्ट कर रहा बट D1 कनेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से RL में करंट फ्लो होगा और इसी की वजह से जो है आपको आउटपुट वोल्टेज वो देखने को मिलेगी RL के अक्रॉस, जो कि DC की फॉर्म में आपको यहां पर अपीयर हो जाएगी ड्यू टू डायोड D1। तो सेकंड पॉइंट अब देखेंगे अब हम वर्किंग का नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे इनपुट AC सिग्नल का तो क्या होगा। जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे प्राइमरी P1 P2 में, तो S1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, S2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। S1 नेगेटिव होने की वजह से D1 की जो P साइड है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगी, मीन D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा इस केस में, और D2 जो है D2 की जो P साइड है वो S2 के पॉजिटिव होने की वजह से D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर D1 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, D2 जो है वो कंडक्ट करेगा और फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा RL के अक्रॉस ड्यू टू कंडक्शन ऑफ डायोड D2, और डायोड जो RL के अक्रॉस करंट फ्लो होगा वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में पिछले केस में फ्लो हो रहा था। मीन्स अगर डायोड D1 कंडक्ट करेगा तब भी RL की में जो करंट की डायरेक्शन वो इस तरफ रहेगी, और जब डायोड D2 कंडक्ट करेगा तब भी RL के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो मीन्स दोनों केसेस में आपको आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगी, पहले केस में D1 के कारण देखने को मिल रही थी, D1 की कंडक्शन कारण RL के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पर D2 की कंडक्शन की वजह से RL के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। तो RL के अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो V=IRL के अकॉर्डिंग RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा जो आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट DC सिग्नल मिलेगा यूनिडायरेक्शनल वो डायोड D2 की कंडक्शन की वजह से मिलेगा, इसलिए हम इसको D2 लिखेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आप थ्योरी में इसमें क्या लिख के आएंगे। वर्किंग का बी पार्ट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट AC सिग्नल का, तो S1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, S2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, S1 नेगेटिव हो गया, S2 पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से हेंस डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D1 इज रिवर्स बायस। क्योंकि S1 नेगेटिव हो गया तो डायोड D1 की पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट होगी, मीन डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस हो गया। ये पॉजिटिव होने की वजह से, S2 के पॉजिटिव होने की वजह से डायोड D2 का जो पी पार्ट है पी साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, मीन डायोड D2 जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो गया। अब फॉरवर्ड करंट पासिस थ्रू D2 एंड RL शोन बाय एरोज, तो फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा डायोड D2 की कंडक्शन की वजह से, और जो हमने यहाँ पर एरो से शो किया है यहाँ पर ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, डायोड D1 जो है वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा। नो करंट पासिस थ्रू डायोड D1 इन दिस केस ड्यू टू करंट थ्रू RL एंड आउटपुट वोल्टेज जो ऑब्टेंड अक्रॉस इट। डायोड D1 में करंट फ्लो नहीं हो रहा बट डायोड D2 और RL के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए हमें RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और आपको आउटपुट में DC वोल्टेज जो है वो मिलेगी। दस वी ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग बोथ द हाफ करंट थ्रू RL फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, चाहे D1 कंडक्ट करने की वजह से हो चाहे D2 के कंडक्ट करने की वजह से हो, दोनों केसेस में RL के अक्रॉस जो है करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। मीन जो आपको आउटपुट DC सिग्नल मिलेगा वो सेम डायरेक्शन में मिलेगा, मीन्स वो यूनिडायरेक्शनल होगा, उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, मीन्स वो DC की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स वी गेट यूनिडायरेक्शनल DC आउटपुट सिग्नल, तो आपको दोनों हाफ
ऑफ एसी के लिए आपको डीसी जो है वो देखने को मिलेगी आउटपुट के अक्रॉस। तो स्टूडेंट्स ये था रेक्टिफायर, जिसके टाइप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और साथ में समझेंगे कि रिपल फैक्टर क्या होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए उन रिपल फैक्टर्स की वैल्यू भी निकालेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। टिल देन थैंक यू सो much।